बीते महीने इंडोनेशिया में 80 साल के बुजुर्ग अभा सरना ने 17 साल की नोना नविता से शादी की। वहीं शादी के 22 दिन बाद ही दूल्हे ने लड़की से अलग होने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि कपल ने बीते हफ्ते ही तलाक के लिए अर्जी डाली है। इस शादी में उम्र में काफी ज्यादा फासला होने के चलते सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि अब जब अभा ने नोनी से अलग होने का फैसला लिया है, इससे लड़की का परिवार बेहद शॉक्ड है। उनका कहना है कि दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोना की बहन इयान ने बताया कि मैं ये सुनकर बेहद हैरान हूँ, क्योंकि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक किए इस फैसले ने चौंका दिया है। उन्होंने कहा, हमारे परिवार को अभा से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभा के परिवार की तरफ से इस शादी को लेकर समस्या जरूर थी। वहीं नोना ने आरोप लगाया कि वह शादी से पहले गर्भवती थी, जिसके चलते 80 वर्षीय अभा ने उससे अगले ही अलग होने का फैसला किया है। लेकिन नोनी की बहन ने इस आरोप को गलत बताया है। वहीं रिपोर्ट की माने तो अभा ने शादी के वक्त नोनी के परिवार की तरफ से भी दहेज की मोटी रकम दी गई थी।